सत श्रीकाल सैकड़ों से पंजाब हरियाणा हिमाचल मैं हर्षदीप कौर शॉर्ट एंड शार्प यानी घट समय ज्यादा खबर पीडा ब्रेक की खबर का शानदार सफर आओ शुरू करते हैं खबर का कारवा। पंजाब च कानून व्यवस्था को लेकर लुधियाना च प्रदर्शन कर रहे पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल मिले पंजाब बीजेपी के प्रधान विजय सांपला योग दिहाड़ी की तैयारी से सूबे की कानून व्यवस्था के मुद्दे से हुई चर्चा। ये क्राइम होना हो रहा है पहला नहीं सी और ऐसा भी नहीं ये तो शुरू तो चल रहा है पर एक सिर्फ चिंता की गल ये कि जड़ा अपनी वारदात कर तो बाद शरेआम कहना कि असी हम तो बच गए हैं और अगे होर करांगे ऐसी जड़ी यूट्यूब ते और अज मैं स्पेशली इस बारे बाल साहब ने गल भी की और उन्होंने स्वस्थ भी किया है कि इसका उत्ते ख्याल रखांगे। पंजाब च कानून व्यवस्था को लेकर लुधियाना प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी वर्कर पुलिस ने की पानी का बौछाड़ा कांग्रेसी वर्कर रोकने लिए पुलिस को करना पड़ा हल्का लाठीचार्ज पुलिस ने मैंबर पार्लीमेंट अवनीत सिंह बिट्टू सने कई वर्कर लिया हिरासत। इस दौरान मैंबर पार्लीमेंट अवनीत सिंह बिट्टू ने कानून व्यवस्था के सवाल खड़े किए उथे संत रणजीत सिंह ढड्डियावाला से हुए हमले की निंदा भी की। आप हैरान हो रहे भी हर रोज शरेआम गैंग वॉर जो जैसे कभी न्यूयॉर्क में पहले होती थी शर्म से सर झुकता है जब वो कह रहे हैं लगातार स्टेटमेंट्स आ रही हैं भी पंजाब सबसे पीसफुल स्टेट है और पंजाब सबसे अमन जहां पे है वहां वो स्टेट है। डंडरिया वाले आप कभी सोच सकते हो टेररिज्म के दौरान भी 5-7 लोग आते थे अगर गोलियां चलाते थे तो 40 लोग इकट्ठे असला लेके और शबील लगाते हैं और 2 घंटे वहां प्लानिंग करते हैं वो जीटी रोड पे बैठ के और उसके बाद जब बाबा आते हैं और उनको आधा दिन गोलियां चलाने के बाद 4 किलोमीटर पीछा करते हैं तो आज तक कोई मास्टरमाइंड पता नहीं। मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर बीजेपी वालों पूरे भारत सरकार की उपलब्धियां पहुंचाने के खास प्रोग्राम उलीके गए ने पार्टी के एमपी और विधायकों को हदायत दी गई ने कि पूरे देश दे विच प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार की प्राप्तियां दसन। इसी कड़ी च दिल्ली च बीजेपी के कौमी प्रधान अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सरकार की प्राप्तियां दसियां। इसे दौरान बीजेपी के कौमी प्रधान अमित शाह ने पंजाब च अकाली दल नूं दस्सिया वड्डा भरा कि मिलकर लड़ांगे चोण सीटा बारे अजे नहीं हुई कोई गल। अमित शाह ने कानून व्यवस्था से कहा कि पंजाब की कानून व्यवस्था बारे मैं जानकारी नहीं है तो स्टेट यूनिट वालों चिंता प्रकट करना गलत नहीं है। पंजाब के अंदर हमारे बड़े भाई हैं एक अलायंस में बड़ी पार्टी अकाली दल है तो स्ट्रेटेजी बनाने में लीड उनको लेनी पड़ेगी उन पर छोड़ दिया ऐसा मैंने नहीं कहा और स्वाभाविक है वो ज्यादा सीटें वो लड़ते हैं तो उन्हीं ने स्ट्रेटेजी बनाने में लीड देनी पड़ेगी मतलब दोनों पार्टियां इकट्ठा मिलकर चुनाव लड़ेगी और दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। अमित शाह ने भी कहा कि उन्होंने सरकार के 2 साल दौरान एक भी भ्रष्टाचार का इल्जाम नहीं लग्या। इस नाल अमित शाह ने मोदी सरकार की विदेश नीति की तारीफ की। 10 साल के अंदर जो घपले घोटालों का भ्रष्टाचार का बोलबाला था उसकी जगह हम कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार विहीन सरकार देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। 2 साल के अंदर हमारे विरोधी भी हम पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सके। अमित शाह ने किसानों के लिए मोदी सरकार वालों किए गए काम भी गिनवाए। अमित शाह ने कहा पहली बार किसानों लिए फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है सिर्फ इतना ही नहीं किसानों की मुश्किलों को दूर करने के लिए सॉइल कार्ड भी लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर सरकार आई है जो पहले फसल बीमा योजनाएं थी उसमें जितने भी किसानों को परेशानी करने वाले बिंदु थे
वो सभी को निरस्त करके एक कह सकते हैं सर्वांग संपूर्ण प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर मोदी सरकार आई है। सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से करीब 14 करोड़ किसानों के खेत के अंदर जो जमीन की प्रत है वो कैसी है, किस प्रकार का क्रॉप अंदर हो सकता है, कितना खाद चाहिए, कितना पेस्टिसाइड चाहिए और कितना पानी चाहिए, इसकी वैज्ञानिक जानकारी किसानों को देने का एक लक्ष्य रखा है और लगभग 1,80,00,000 से ज्यादा लोगों को देने का काम समाप्त हो चुका है। उधर अमृतसर च केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और गिरिराज किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार की प्राप्तियां गिनवाईया। रामविलास पासवान ने कहा कि उन्होंने सरकार ने गरीबों तक अनाज पहुंचाने के लिए फूड सिक्योरिटी बिल का दायरा बढ़ाया, गरीब सस्ती कीमत से अनाज उन्होंने मिल रहा है। सिर्फ इना ही नहीं, उन्होंने दसिया कि राशन कार्ड में होने वाली गड़बड़ियां रोकया गया जिसका सरकार ने करोड़ों रुपए की बचत हुई, भ्रष्टाचार से लगाम रखी है। आपको मालूम है कि जो फूड सिक्योरिटी एक्ट था जब हम आए थे तो केवल 11 राज्य में था, वो भी 11 राज्य में जो है पूर्ण रूप में लागू नहीं हुआ था, आज कभी करीब सभी राज्य में हो गया है और ये कोई मामूली चीज नहीं है। देश में ग्रामीण इलाकों में 75% आबादी को, शहरी इलाकों में 50% आबादी को हम 2 रुपये किलो गेहूँ 3 रुपये किलो चावल दे रहे हैं। हम किसान से खरीदते हैं चावल जो है वो 30-32 रुपये खरीदते हैं और गरीब को जो है 3 रुपया में देते हैं। उधर अमृतसर रामविलास पासवान और पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज किशोर ने भी मोदी सरकार दिया प्राप्तियां गिनवाई। गिरिराज किशोर ने मोदी सरकार के मेक इन इंडिया नाल कई लोगों को रोजगार मिलिया है। सिर्फ इना ही नहीं, रोजगार खोलने वेले आने वाले मुश्किलों भी दूर करने के लिए सरकार ने कदम चुके ने। गांधी ने भी जो आजादी दिलाई थी वो मेक इन इंडिया से दिलाई थी, मैनचेस्टर के कपड़ों का बहिष्कार किया था और चरखे से कपड़े बनाने का काम और गांव में महिलाओं के हाथ को मजबूत करने का काम की थी और विलेज इंडस्ट्री को सब प्रमुखता दी थी। आज हमारे डिपार्टमेंट में खादी आता है, इसको एक प्रयोग के रूप में जो 5 करोड़ लोगों को इससे रोजगार मिलेगा उसका एक पायलट प्रोजेक्ट अब लगभग सफल हो चुका है सोलर चरखा के माध्यम से। कुरुक्षेत्र के पिपली में हुए बस धमाके की जांच लिए एनआईए की टीम पहुंची। आईबी की टीम ने भी किया घटना वाली थान का दौरा। हरियाणा सरकार ने मामले की जांच भी बनाई है एसआईटी। जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनकी भी मदद ली जा रही है, उनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन हरियाणा का जारी है और आज एनआईए की टीम भी यहाँ पे इसको एग्जामिन करने आई है। ब्लास्ट साइट को विजिट किया है उन्होंने और जो बस है उसको भी देखा है और अभी उनसे हम तालमेल बना के आगे जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो हम आगे चलाएंगे। एनआईए की टीम में कितने अधिकारी हैं? अभी ये 2 अधिकारी जो हैं ये आए हुए हैं, इनकी टीम है स्पेशल टीम जो पहले भी ब्लास्ट साइट्स पे जाती रही है और उनकी हमने मदद ली है, उनको हमने इन्फॉर्म किया। जम्मू कश्मीर च दहशतगर्दा नु फौज का मुंह तोड़ जवाब। कुपवाड़ा विच 4 दहशतगर्द ढेर, बारामूला च एक घर विच लुके 2 दहशतगर्दा नु फौज ने बंबना उड़ाया, एक जवान भी शहीद। बारामूला के कुंजेर विच भी दहशतगर्दा नाल मुठभेड़ खत्म हो चुकी है। बारामूला के तंगमार इलाके विच बिल्डिंग नूं उड़ाउण दी जरूरत फौज नूं इसलिए पई क्योंकि इस बिल्डिंग विच 2 दहशतगर्दा दे लुके होण दी खबर मिली सी। अमृतसर च 100 फुटी रोड से चली गोली, एक दी मौत। अमृतसर च देर रात गोली चलण नाल इलाके विच दहशत दा माहौल, पुलिस तुरंत मौके ते पहुंची। उधर पुलिस वालों जांच शुरू कर दित्ती गई है। पंजाब च कानून व्यवस्था से बीजेपी के चुके सवाल नाल मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल नहीं रखते इतफाक। क्या कानून व्यवस्था पूरे तरीके नाल दुरुस्त हुंदियां रहिंदियां ने छोटियां मोटियां घटनावां। राज्यसभा की उम्मीदवार लिए बलविंदर सिंह पुंदड़ ने अकाली उम्मीदवार वजो भरिया परचा। अकाली दल ने एक बार मोड़ तो पुंदड़ नूं राज्यसभा लिए किया नामजद।
पंजाब च नशे दे मुद्दे ते बोले मशहूर पंजाबी गायक गुरदास मान, क्या पंजाब विच नशा इन्ना कि सूबा लाचार बीमार ते विचारा हो गया है। गुरदास मान दे नाल पूरी गलबात वेखो जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ते अज शाम 7 बजे डायरेक्ट विद दिनेश च। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल नूं निजी केबल ऑपरेटर वालों ब्लैकआउट करने के खिलाफ आम आदमी पार्टी के आगू हिम्मत सिंह शेरगिल ने कहा कि चैनल अपनी निरपक्षता लिए जाने जाता है, जिससे कार्रवाई की गई है इसका जवाब जनता देगी। इस नाल ही उन्होंने कहा कि जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के संपादक दिनेश शर्मा की अगुवाई चैनल बुलंदिया से पहुंच गया है। जदों जदों भी पंजाबियों की आवाज़ को कुचलन की कोशिश किसी ने की है, दबाने की कोशिश की है, पंजाबी होर भी उभरे ने। अज पिंड पिंड घर घर पता लग गया कि जी पंजाब हिमाचल हरियाणा के नाल धक्का होया है, तो उस धक्के का जवाब भी इन्होंने 2017 च मिलेगा। संत रणजीत सिंह टडियावाला नूं नहीं है पंजाब पुलिस से भरोसा, अपने उपर हुए हमले की CBI जांच की रखी मांग, हमायती 3 मई नूं पूरे पंजाब विच करनगे प्रदर्शन। अमृतसर च नशे खिलाफ कड़ी गई जागरूकता रैली, सैशन जज की अगुवाई च पुलिस कमिश्नर ते स्कूली विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा, आप नशा ना करन ते लोकां नूं नशा छड्डन लई प्रेरित करन दा लिया अहद। सैशन जज ने कहा कि नशे दे मुद्दे ते पंजाब नूं बदनाम कीता जा रहा है। असीं अज इक रन दा आयोजन कीता गया, रन अगेंस्ट ड्रग विद द मोटिव से नो टू ड्रग्स। असीं इहदा अवेयरनेस क्रिएट करनी है ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਇਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾੜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੁਰਾਈ ਨਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੋ ਕਦੀ ਵੀ ਸਰ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਵੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਰੋਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਦਮੀ ਮਾਮਲੇ ਚ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਬੇਦਮੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਕੋ ਜਾਂ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕੋਈ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਆਹ ਚੀਰ ਫੜ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਟਾਰਚਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। CBI ਦੀ ਜੋ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ। ਕਾਂਗਰਸ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਮੰਥਨ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ DGP KP ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਸਾੜੇ ਜਾਂ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਇਰ। मैंने जो कानून के प्रावधान है वही दोहराए, मैंने कोई लक्ष्य पर बात की गई तो मैंने जो कानून के प्रावधान है वही दोहराए, मैंने कोई लक्ष्य पर बात की गई किसी के घर मकान दुकान को जलाता है, अगर कोई किसी को जान से मारने की कोशिश करता है तो कानून एक आम नागरिक को भी अधिकार देता है कि वो उसकी जान ले। नागरिकों को पता नहीं, पुलिस वाले का अधिकार
ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਅਨੋਖੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਿਜ ਮੋਹਨ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਠੇਕੇ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰਭਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੰਥਲੀ ਜਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰਭਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਵੀਰਭਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾਕਆਊਟ ਵਾਕਆਊਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ 2016 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਚ ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦੀ ਹੱਦ ਸਕੂਟੀ ਦੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁਦ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟ ਤੇ ਕੀਤਾ ਵਾਇਰਲ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਚ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 41 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 15,000 ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇਸਲਾਮਿਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਮਹਿਲਾ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਦੀ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰੈਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰੈਡ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਬ੍ਰੋਮੇਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸੀਐਸਸੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬ੍ਰੈਡ 'ਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਬ੍ਰੋਮੇਟ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਆਇਓਡੇਟ ਵਰਗੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਸੀਐਸਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਬ੍ਰੋਮੇਟ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਆਇਓਡੇਟ ਵਰਗੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੀਬੀਆ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਜਾਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਟ ਗਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਚੀਨ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਰਮਾਣੂ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਪਣਡੁੱਬੀ ਭੇਜੇਗਾ ਮਿਸ ਗਲੋਬ ਇੰਡੀਆ ਰਾਮਿਆ ਸਿੰਘ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਟਰਕੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਿਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗਲੋਬ 2016 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਫਿਲਮ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਅਰਪਿਤਾ ਖਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਖੱਡੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਰਿਊਮਰਡ ਕਪਲ ਐਕਟਰੈਸ ਯਾਮੀ ਗੌਤਮ ਅਤੇ ਪੁਲਕੇ ਸਮਰਾਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਜਨੂਨੀਅਤ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ